हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे आपको मैं बताने वाला हूं मैं कि आप अपस्टॉक के ऐप में कैसे फंड को ऐड कर सकते हो और कैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो यहां पे मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं कि आपको अपस्टॉक के ऐप में कैसे पैसा डालना है और कैसे आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने अपस्टॉक के मोबाइल ऐप पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने अपस्टॉक का मोबाइल ऐप मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया है। तो लॉगिन करने के बाद पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे माय लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे पूरे स्टॉक दिख रहा होगा आपको। फिर यहाँ पे ऑर्डर आता है नीचे, फिर नीचे में पोर्टफोलियो, डिस्कवर और अकाउंट। तो यहाँ पे आपको अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। तो अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कैश यहाँ पे अभी जीरो दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको मैं यहाँ पे ऐड फंड पे मैं क्लिक करता हूँ। एड फंड पे मैंने क्लिक किया। एड फंड पे क्लिक करने के बाद पे यहाँ पे मेरा जो भी बैंक अकाउंट लिंक है उसके थ्रू मैं यहाँ पे पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे गूगल पे, फोन पे, यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू करना अदर पेमेंट मैथड तो वहां से भी आप कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे अदर पेमेंट मैथड में क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आपका नेट बैंकिंग दिख रहा है, बट नेट बैंकिंग में आपको यहाँ पे ₹7 का चार्जेस लगेगा। तो लेकिन मैं नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहो तो आप गूगल पे, फोन पे के थ्रू भी कर सकते हो। तो चलिए मैं नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर लिया है। अब नेट बैंकिंग सिलेक्ट करने के बाद पे यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट देख सकते हैं, ये मेरा लिंक है यहाँ पे बैंक अकाउंट। तो अब मैं यहाँ पे वीआर नेट बैंकिंग करता हूँ। वीआर नेट बैंकिंग पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मुझे अभी अमाउंट डालना है। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट मैंने डाला नहीं, तो मैं यहाँ पे चलिए मैं डाल देता हूँ ₹500। ₹500 मैंने डाल दिया। और इसके बाद में चलिए अब मैं इसको मैं क्लिक करता हूँ। वीआर नेट बैंकिंग पे मैंने क्लिक किया। अब मेरे को यहाँ पे अपना नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा, तो ये मैं हैवी हाइड कर देता हूँ आपके लिए। तो मैंने यहाँ पे अपना नेट बैंकिंग लॉग इन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद पे मैं यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। और यहाँ पे मेरे को फोन पे ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी को यहाँ पे मैं डालूंगा अभी। ओटीपी नहीं आया तो क्लिक हियर दोबारा मैंने किया। ये टाइम ले रहा है ओटीपी आने के लिए। ये देखिए आ गया 4951106। ये ओटीपी डालने के बाद कंफर्म बटन पे मैंने क्लिक किया। ये हो चुका पेमेंट सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये हो गया फंड एडेड टू योर अकाउंट सक्सेसफुली। तो ये मेरा फंड ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद में यहाँ पे इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ। अब यहां से मैं बैक बटन पे जाता हूं। देखिए अब मेरा यहां पे देखिए टोटल कैश मेरा ₹500 मेरा आ चुका है। ठीक है, ये तुरंत आ जाता है, तुरंत 2 मिनट के अंदर पे ये आपका पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में, अपस्टॉक के डीमैट अकाउंट में। अब मेरे को मान के चलिए यहां से विड्रॉ करना है, और आपको अगर विड्रॉ करना होगा तो यहाँ पे आप विड्रॉल फंड पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, विड्रॉल फंड पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे अमाउंट डालने के लिए आएगा। तो आप यहाँ पे जितना भी अमाउंट आपको डालना है वो अमाउंट डाल के आप कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक करोगे तो वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपस्टॉक का ऐप में पैसा डालना है और विड्रॉ करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक मार्केट का बेसिक कोर्स, ये सभी चीजें मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। और अगर आपको प्लेलिस्ट चेक करोगे तो अपस्टॉक के और भी बाकी जो वीडियोज हैं वो सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, देख सकते हैं। अपस्टॉक के पूरे ये आपको अपस्टॉक के पूरे वीडियोज मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और ये कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।